खरीदी थी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एंड उसका रिव्यू भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे ये यूज़ होती है चीज़ें। और मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा माई टोर, माई टेम्पल टोर, तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो कि किचन पर्पज़ से, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही किचन एंड नंदिनीज किचन एंड होम डेकोर। देखिए मैं कुछ मैंने परचेस किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से और कुछ अमेजोन से परचेस किया है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वैसे भी मैंने क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी मैं कुछ खरीदूँगी या परचेस करूँगी ऑनलाइन या लोकल शॉप से तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ और मैं अच्छे से आपको हर चीज़ एक एक के बारे में बता भी दूँगी आपको। तो ये मैंने एक लिया है टी जग, जिससे कि ग्रीन टी वगैरह जब हम बनाते हैं तो इसमें रख सकते हैं और इसका यूज़ मतलब इसीलिए होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। ये ऑनलाइन मैंने परचेस किया, देखिए कितना सुंदर है, देखिए। तो ये हो गया, एक मैंने खरीदा है इसको मैं दिखा दिया। तो जैसे कि मैंने मुझे किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसे छोटी मोटी चाहिए थी जिससे कि मुझे आसानी से हर चीज़, जैसे ये है इससे मैं मिर्ची वगैरह चार पांच होती है तो इसको मैं ऐसे करके काट लेती हूँ। इसमें ये एक ये भी दिया है कि इसको आप बंद भी कर सकते हो और कहीं भी टांग भी सकते हो, तो इसलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। और ये जैसे कि ग्रीसिंग करने के लिए ब्रश है, ये जैसे आप पिज्ज़ा बनाइए या पराठे वगैरह बनाइए तो उसमें आप ऐसे लगा सकते हो। और ये बटर के लिए, पिज्ज़ा सॉस लगाने के लिए कई चीज़ों में ये काम आता है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत, वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इन सब चीज़ों को तो बहुत अच्छे से मैं। और ये देखिए ये पिज़्ज़ा कटर भी मैंने खरीदा है ऑनलाइन खरीदा, ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी खरीदी है और देखिए कितना अच्छा, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये और कलर भी इसका बहुत ही फाइन है। तो ये सब चीज़ें मैंने, ये तो छोटी चीज़ें हैं। अब मैं दिखाती हूँ ये मैंने, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए, कितने खूबसूरत हैं और ये ब्रांडेड भी हैं ये, और जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। और ये इसमें सिक्स पैक हैं, इसमें सिक्स पीस की पैकिंग आती है जो कि देखिए इतने इतने बड़े ग्लास हैं, इसमें चाय कॉफ़ी या फिर बच्चों के लिए भी कुछ भी आप डाल के और देखने में ट्रांसपेरेंट कितनी खूबसूरत, जो भी चीज़ इसमें पड़ेगी बहुत ही सुंदर लगेगी। वैसे भी समर भी आ रही है तो इसके लिए हमें इसमें मैंगो शेक या कोई भी शेक वगैरह बना के पीने में और बच्चों को भी देने में बहुत ही मज़ा है, क्योंकि इसमें हैंडल भी लगा हुआ तो बच्चे इसको आसानी से पकड़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किचन के लिए भी मैंने बहुत ही, ये नंबर फोर है जो कि मैंने लिया है, इसको बोलते हैं आइस मेकर, आइस मेकर। तो दोस्तों ये देखिए ये आइस गोला मेकर है, जैसे बच्चों को गर्मियों में गोला वगैरह बहुत खाने का शौक होता है इसलिए मैंने परचेस कर लिया। वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर की चीज़ें बच्चों को वैसे भी नहीं खिलानी चाहिए, इसलिए मैंने मेरे अंदर एक आइडिया आया कि मैं इसको क्यों ना परचेस कर लूँ ऑनलाइन। तो ये देखिए इसका इसमें क्या क्या आइटम मिले हैं, ये देखते हैं हम। ये थ्री बाउल है, ये इसमें ये एक कप है, ये थ्री बाउल है, इसमें सिक्स स्टिक हैं जो कि आइसक्रीम वगैरह या दूध वगैरह के लिए हैं और गोला मेकर भी इसी से बन जाएगा। ये कप जो है इसमें स्टिक डालेंगे, बर्फ डालेंगे उससे ये बन जाएगा। और देखते हैं इसको, एक इसमें बाउल भी मिला है आइस के लिए इसको हम, और इसको यूज़ करने का तरीका ये है इसको कैसे हम लगाते हैं इसका यूज़। ये देखिए इसको हमने ऐसे लगाया, नीचे अंदर बर्फ़ डालेंगे इसको, तो देखिए इसमें एक इस टाइप का लगा हुआ है ये और इसको इसी में रहने देंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर बर्फ़ है, इसमें देखो कटर भी लगा हुआ है और इसको हम इस तरीके से इसमें बर्फ़ डाल के इस तरीके से बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे बाउल रखने के बाद में इसको ऐसे बस घुमाना है और बर्फ़ बिल्कुल निकलती जाएगी, आइस बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े टाइप के होते जाएंगे इसमें, जो कि इसमें भर के इसमें स्टिक लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं।
तो इसका भी बहुत ही यूज़ बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और बच्चों को घर पे ही गोला बना के आप खिला सकते हो, या फिर जैसे कि आप लस्सी बनाते हो किसी चीज़ में भी यूज़ हो सकता है। तो देखिए कितना सुंदर भी है, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए इसमें आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, गैस करके बताइएगा इसमें क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। ये मैंने मेरे पास में बहुत पुरानी सी रखी हुई थी मसालेदार की, तो उसमें मैं मसाला वगैरह रखी, उसमें बहुत छोटे छोटे से कंटेनर भी होते थे और मेरे यूज़ में भी कम आते, कभी कोई चीज़ जैसे काली मिर्च वगैरह हो कुछ भी हो तो मुझे ढूंढना पड़ता था कहाँ क्या चीज़ रखी। अब इसको मैं ओपन करूँगी, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। तो दोस्तों ये देखो मैं खोल के दिखाती हूँ, मैंने सोचा कि आपके साथ में ही शेयर करूँ हर चीज़ जो कि मैं लेती रहूँगी, तो आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर भी इसका बहुत ही फाइन है, और मैं अब इसको ओपन करती हूँ, मैं इसको ओपन करती हूँ एक सीजर की मदद से, और इसको मैंने ऊपर किया और फिर सारी चीज़ें ये देखो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे इसका जब मैंने इसको देखा था ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, तो मुझे इसका कलर ही बहुत पसंद आया था। इसमें ये देखिए एक एक चीज़ें इसमें ऐड है, इसको पूरा मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, इसमें एक एक डिब्बी निकल के आती है। इसमें कलर ये पिंक है, इसमें देखिए दोस्तों ये कलर है पिंक कलर का, इसमें ये जी। तो देखिए दोस्तों ये पिंक कलर का है और एक ये वाइट में है, ये वाइट में है। ये देखिए अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, इस तरीके से खुलेगा और कोई भी इसका इसकी लंबाई भी इसमें काफ़ी क्वान्टिटी में चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो ये देखिए इतना इतना ये है, ये यहाँ से ऐसे करके कोई भी चीज़ डाल सकते हो। और ये देखिए छोटा भी बना हुआ है मसाले में, ये गोल भी छेद बना हुआ और छोटे छोटे भी बने हुए हैं, जिससे कि नमक हो तो इससे भी आ जाएगा और अगर मसाले वगैरह तो इससे भी आ जाएगा, डबल डबल में है। देखती है देखिए इसको, तो इसको फिर से हम ऐसे बंद कर देंगे, फिर इसको ऐसे ही। अब हम सारे डिब्बे तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, बट इस तरीके से है इसका। ये देखिए एक वाइट ये है, वाइट कलर में है। ये देखिए इसका जो इसमें वाइट कलर की लगी हुई है और इसमें देखिए पिंक कलर का लगा हुआ है, तो इसमें ये मल्टीपर्पज़ है, ये इसको घुमा भी सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके। और यहाँ पे आप बहुत सुंदर सा फ्लावर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए हर तरीके से इसका ये हम पूरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे से ये इस तरीके का है, ये देखिए इसको घुमाने वाला सिस्टम भी है। और ये देखिए इसमें 18 बॉक्स मिले हैं इसमें, तो 18 बॉक्स हमारे किचन के लिए बहुत ही मतलब ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स है। इसको आप स्पाइस मसाला में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उसे, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो लंबाई है लेंथ है वो काफ़ी मतलब अच्छी से है, कि जो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सी इसमें आ सकती हैं। इस यहाँ पे सबसे सुंदर मुझे ये चीज़ लगी, देखिए यहाँ फ्लावर रखने वाला, एक यहाँ पे स्टिक फ्लावर की रख देंगे, जिससे कि हमारा ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से मैंने जो चीज़ें मंगाई हैं। तो प्लीज़ कमेंट माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर यू फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को आप इंजॉय करिए और उसमें कमेंट लिख के जरूर बोलिए, इससे कि मेरा हौसला बढ़े। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।